हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि हम एक्सेल का यूज़ करके चेकलिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने अपनी पूरी शीट्स में किया क्या है और फॉर्मूलेस का यूज़ कैसे किया है। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में मैंने कैंडिडेट्स के जो पीरियोडिक टेस्ट 1, 2, 3 देन उसके बाद यहाँ पर उसकी जो नोटबुक के मार्क्स हैं, यहाँ से मैं अप जा रहा हूँ दिस वन, यहाँ देखिए ये उसकी डिटेल होगी। देन ये ऊपर नोटबुक के मार्क्स हो गए, देन ये उसकी स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज़ की हो गए, यहाँ उनकी अटेंडेंस होगी और यहाँ उनके जो 80 में से मार्क्स हैं वो हो गए। यहाँ से मैंने क्या किया, इस पूरे डाटे को कॉपी किया और यहाँ पर मैंने फाइल बनाई है दिस वन, इसको मैं फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर रहा हूँ दिस वन। अब मैंने वहाँ से वो सारा डाटा सेलेक्ट किया, पीरियोडिक टेस्ट 3 के मार्क्स, देन नोटबुक के, देन एक्टिविटीज़, देन यहाँ पर जो उसकी मेरे 80 में से मार्क्स उसने गेट किए वो सारे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिए। अब ये सारा कॉपी पेस्ट वाला प्रोसीजर हम करेंगे कैसे, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल एक नई शीट ले लेता हूँ। देन जो मेरा मेन सॉफ्टवेयर है एक्सेल की हेल्प से जो हमने बनाया उसमें चला गया। यहाँ से मैंने कर्सर रखा, बिल्कुल रोल नंबर 1 पे आ गया दिस वन। देन जो मेरा लेफ्ट एरो है उसको मैंने पीछे मूव किया। यहाँ पर देखिए हेडिंग्स, ये देखिए ये जो यहाँ हेडिंग्स आ रही हैं इनको ध्यान से देखिए। मुझे पीरियोडिक टेस्ट 3 से लेकर अप टू लास्ट तक सेलेक्ट करना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कर्सर रखूँगा टॉप पर, थोड़ा सा डाउन लेकर आऊँगा। अब यहाँ से पकड़ के इसको लास्ट तक ले जाइए दिस वन। अटेंडेंस को वहाँ से रिमूव कर देंगे यहाँ तक। अगर डिसलेक्ट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से आप बैक जाएंगे। यहाँ आपको प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं इफ़ यू आर ए न्यू। अगेन इसको सेलेक्ट करिए, लास्ट तक ले जाइए, यहाँ तक आपके 80 के मार्क्स हैं दिस वन। अब यहाँ से पकड़ के इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, वहाँ तक ले जाइए, यहाँ आपके टोटल कैंडिडेट्स ख़त्म होते हैं। यहाँ जो मेरे पास ये पर्टिकुलर क्लास में उसमें 48 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने यहाँ 48 सेलेक्ट कर लिए, देन राइट क्लिक करके कर लिया कॉपी। अदरवाइज़ आप कंट्रोल सी करके भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इस फाइल को मिनिमाइज़ कर दिया और जिस फाइल में मुझे ये पेस्ट करना है मैं उस फाइल में चला गया, पर्टिकुलर उस शीट पर आ गया जिसमें मुझे पेस्ट करना है। सो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा है, देन कंट्रोल वी कर दिया, अदरवाइज़ राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, अदरवाइज होम में देखिए पेस्ट लिखा है, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ देखिए रेफरेंस का एरर आ गया। ये एरर क्यों आया, बिकॉज ये जो मेरी यहाँ पर शीट थी, यहाँ पर मेरे सारे फॉर्मूलेज लगे हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने शीट जो वहाँ से कॉपी की थी यहाँ पर पेस्ट की, यहाँ पर वो रेफरेंस वर्क नहीं कर रही। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं फिलहाल यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ। आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, यहाँ से आप वैल्यूज़ कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ एक और प्रॉब्लम आ गई, जब मैंने वैल्यूज़ किया तो ये सारी शीट की सेटिंग प्रॉपर नहीं आ रही, यहाँ लुक अच्छी नहीं लग रही। सो मैं एक और मेथड बता रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ मेथड्स बता रहा हूँ उनको प्रॉपरली समझिए, सो डैट ये हमारी मेन शीट है, इसी शीट में मैं फॉर्मूले लगाकर वहाँ जो मैं एक मेन शीट बनाऊँगा एग्जाम्पल के लिए दिस वन, ये सारे हम वहाँ से रिकॉर्ड फेच करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। अगर वहाँ पर आपका डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर वहाँ पर आपकी कोई भी डाटे में प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर आपको फॉर्मूलेज लगाने में डिफ़िकल्टी होगी और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो मैं यही प्रेफर करूँगा कि ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ शीट 4 पे मैंने इंसर्ट किया, प्रॉब्लम आ गई। सो मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अगेन कंट्रोल जेड मीन्स बैक स्टेप जाना। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पर अगेन आ गया, अगेन मैं राइट क्लिक करिया, यहाँ से पेस्ट स्पेशल नहीं किया, इस पर सिंपल मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो रेफरेंस का एरर आ रहा है इसको हम कैसे हटाएंगे, अगेन मैं उसी शीट में चला गया दिस वन, जो मेरा रिजल्ट था, जो मेरी हेडिंग्स थी मेन, बिकॉज वहाँ पर देखिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल और पंजाबी के सेम हेडिंग्स हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, देन इसको मिनिमाइज़ कर लिया, जो मेरी मेन एक्सेल की शीट थी जिसमें मैंने ग्रेड लिस्ट या चेकलिस्ट क्रिएट करनी, वहाँ चला गया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर कर दिया पेस्ट। देखिए यहाँ पर फिर से रेफरेंस का एरर आ रहा है, राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, सिर्फ यहाँ पर कर दीजिए वैल्यूज़। यहाँ देखिए जो मेरा इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, पंजाबी, 5 सब्जेक्ट आ गए। अब इन को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी कॉपी करिए, बस इनको नेक्स्ट पेस्ट करते जाइए, बिकॉज ये सारी जो मेरे फर्स्ट हैं इंग्लिश के हैं, सेकेंड हिंदी, देन मैथमेटिक्स, देन साइंस, देन सॉन। अगेन इसको कॉपी किया, नेक्स्ट जो मेरा लिंक था वहाँ पर चला गया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, अगेन नेक्स्ट पे चला गया, यहाँ पर कर्सर रखा, पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है,
यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लग गए हैं मेरे से, बिकॉज यहाँ पर जो मेरे दो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं ये आईसीटी और जीके के हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट हमने फिल नहीं किया, सो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, देन राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कर दूँगा डिलीट, देन इंटायर कॉलम डिलीट। ये कि यहाँ से डिलीट हो गया, इनको यहाँ से अब थोड़ा सा ज्वाइन कर दीजिए, सो डैट यहाँ पर पता लगे कि ये पीटी पीरियोडिक टेस्ट 3 के मार्क्स हैं, देन ये नोटबुक के हैं। अगेन आगे चला गया, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, कॉलम पे गया, रिमूव कर दिया, इसको भी थोड़ा सा मैंने पीछे मूव कर दिया। अगेन नेक्स्ट पे गया, यहाँ से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया, इंटायर कॉलम कर दिया दिस वन, इसको अगेन थोड़ा सा मैंने दिस वन कर दिया। ये मैंने इसलिए रखा है सो डैट पता लगे कि उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो लिंक है वो आ रहा है, जैसे पीरियोडिक टेस्ट 3, देन नोटबुक, देन एक्टिविटी, देन यहाँ एनुअल एग्जामिनेशन के मार्क्स। अटेंडेंस भी नहीं चाहिए, यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ अटेंडेंस, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, डिलीट इंटायर कॉलम। नाउ सॉन यहाँ पर भी देखिए, लास्ट में दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए कॉलम, देन ओके। नाउ अब यहाँ पर रेफरेंस, ये कौन से ये रेफरेंस का एरर दे रहा है, यहाँ पर मेरे मार्क्स है ऐसे 10 में से हैं, ये भी 10 में से हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, हम ये जो पर्टिकुलर मेरी रो है इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। सो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट, ये देखिए वहाँ से वो मेरी रो डिलीट होगी। अब देखिए यहाँ जो रोल नंबर्स हैं, यहाँ मैं अपनी मेन फाइल में जा रहा हूँ, यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर हैं 48, तो यहाँ पर मुझे रोल नंबर भी 48 लेने पड़ेंगे। सो उसके लिए मुझे इसके जो लेफ्ट साइड है वहाँ एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट देन कॉलम, कॉलम पे क्लिक करिए, देन इंसर्ट, यहाँ पर मैं दिख दूँगा रोल नंबर दिस वन, वन लिखा, देन यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पर एंड आ रहा है वहाँ पर इसको रखिए, देन कंट्रोल प्रेस करिए, देन छोड़ दीजिए। 48 थे यहाँ पर, 48 आ गए, इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट दे लेते हैं, जैसे उनका फॉर्मेट है सेंटर लाइन कर देते हैं, देन दिस वन। नाउ अब यहाँ से मैं डाटा फेच करके अपनी शीट में इंसर्ट करूँगा। सो ये सारा डाटा जो था मैंने इस पर्टिकुलर शीट में सेट किया है, जैसे मैंने आपको बताया, अदरवाइज ये शीट जो मेरी है इसको मैं फ्रंट में मूव करता हूँ, शीट फोर, शीट फोर के बाद शीट टू, तो मैं इसको दे देता हूँ डाटा, शीट को नाम टीए, नेम कैसे देंगे, राइट क्लिक करेंगे शीट के ऊपर, देन दिस वन, यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ चेकलिस्ट। अब हम करेंगे क्या कि ये जो डाटा है इसमें वो मैं इस पर्टिकुलर यहाँ जो मेरे सेल्स इसमें इंसर्ट करूँगा। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने से पहले एक मैं आपको और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर हम इनको ग्रुप करेंगे, ग्रुप कैसे करेंगे सो उनको भी देख लीजिए। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से ध्यान से देख लेना यहाँ तक, देन मैं जाऊँगा डाटा में, डाटा में जाके यहाँ पर देखिए ग्रुप है, सॉरी दिस वन, बिकॉज मुझे टोटल चाहिए, ग्रुप में चला गया, ग्रुप, यहाँ पर मैंने कॉलम्स को सिलेक्ट किया, ओके। ये देखिए यहाँ 100 के मेरे मार्क्स शो करेंगे बाद में, सो मैं पहले सभी का ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। अगेन मैंने यहाँ से 80 तक सेलेक्ट किया, ग्रुप, ग्रुप, ये बिकॉज मैं यहाँ कॉलम्स के कर रहा हूँ, बिकॉज कॉलम्स को मैं यहाँ छुपाना चाहता हूँ। ये देखिए ऐसा मेरा ये बेनिफिट होगा, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ डायरेक्टली इंग्लिश के मार्क्स शो करेगा, हिंदी के शो करेगा, देन अप टू सॉन। सो मैं इनको थोड़ा छुपा लेता हूँ, बाद में हम इसको डिस्प्ले करते हैं। यहाँ अगेन दिस वन, ग्रुप, ग्रुप, कॉलम, देन दिस वन, अगेन मैथमेटिक्स थोड़ा लार्ज कर देते हैं, इसको यहाँ से पकड़िए, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, अगेन दिस वन। आप हेडिंग को नहीं पकड़ेंगे बिकॉज ये मैंने जस्ट नॉर्मल लिखा है और इसको बॉर्डर दिया है, इसकी वीडियो मैं और भी हमारे चैनल्स में ऐसी कि बॉर्डर कैसे देते हैं, देन हेडिंग्स कैसे देते हैं, सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं, वो आप देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो इसको भी सेम मेथड से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, दिस वन अगेन सेलेक्ट किया, ग्रुप, ग्रुप, कॉलम, ओके, इसका भी ग्रुप हो गया, देन लास्ट वन पंजाबी, इसको भी सिलेक्ट किया, ग्रुप, ग्रुप, कॉलम, देन ओके। ये सारा जो मेरा ग्रुप वाला प्रोसीजर था डाटा टैब में अवेलेबल था अंडर आउटलाइन, तो यहाँ से मैंने इसको दिस वन कर दिया। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या हुआ, जब मैं यहाँ पर टोटल करूँगा, टोटल मीन टू से ग्रैंड टोटल, यहाँ पर फिलहाल आप ग्रैंड टोटल लगाएंगे कैसे, फिलहाल इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, जो मैंने पहले से फॉर्मूले एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो आप लगाएंगे कैसे, अब देखिए यहाँ पर मेरे इन सभी के ग्रैंड टोटल शो कर रहे हैं। ये प्रोसेस भी थोड़ी डिफिकल्ट होगी आपके लिए इफ़ यू आर ए बिगनर, इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू लिखिए, पहले हम इंग्लिश का टोटल करेंगे प्लस हिंदी,
प्लस मैथमेटिक्स प्लस साइंस प्लस सोशल साइंस प्लस पंजाबी, देन एंटर। यहाँ देखिए जीरो क्यों आया, बिकॉज इन सभी सेल्स में मैंने अभी तक कोई भी रिकॉर्ड ऐड नहीं किया, कोई भी पर्टिकुलर जो कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो ऐड नहीं किए। परसेंटेज का ही हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट जितने मेरे मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क, 600 में से हैं सो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, एंटर। देन रैंक के लिए इक्वल टू रैंक, देन ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैंने ग्रैंड टोटल जो था जिस सेल में उसको सेलेक्ट किया, कॉमा किया, फर्स्ट ग्रैंड टोटल से पकड़ के लास्ट जो मेरा कैंडिडेट का रिकॉर्ड है वहाँ तक चला गया। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसको डिलीट कर दीजिए, अगेन करते हैं। फर्स्ट से पकड़ा लास्ट तक चला गया, दिस वन। आपके यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में भी शो कर रहा है। देन उसके बाद आप प्रेस कर देंगे F4। F4 करने से क्या होगा, ये जो पूरी वैल्यू लॉक होगी। अब यहाँ पर देखिए ये सेल तो लॉक हो गया लेकिन ये नहीं हुआ, तो इसलिए आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, देन F4 प्रेस कर दीजिए, देन ब्रैकेट को क्लोज, देन एंटर। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे को ड्रैग कर दीजिए, दिस वन। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मुझे सबसे पहले यहाँ इंग्लिश के मार्क्स ऐड करने हैं, सो मैं यहाँ इंग्लिश को ओपन कर रहा हूँ। सो यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने जो मार्क्स इंग्लिश के पीरियोडिक टेस्ट के 10 के यहाँ इंसर्ट करने हैं वहाँ पर कर्सर रखूँगा, इक्वल टू सिंबल लगाऊंगा। देन यहाँ देखिए जो मेरा डाटा वाली शीट है उस पर जाऊँगा, फर्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, जो मेरा फर्स्ट मार्क है रोल नंबर 1 का, देन एंटर कर दूंगा। ऑटोमेटिक वहाँ से डाटा मेरा फेच हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर मैं साइज़ थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ सो डैट आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए, तो यहाँ पर मैं साइज नियर अबाउट दिस वन इज सफिशियंट दे देता हूँ। अगेन इक्वल टू डाटा वाली शीट पे चला गया। अब देखिए इंग्लिश ये तो मेरे प्रोडक्ट टेस्ट 3 के हो गए, अब यहाँ नोटबुक के चाहिए, दिस वन पे क्लिक किया इंग्लिश पे, देन एंटर। यहाँ पर 5 फेच हो गए, इक्वल टू यहाँ पर देखिए टोटल मेरा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा बिकॉज मैंने फॉर्मूला लगाया। कैसे लगाया फॉर्मूला ये भी आपको बता देता हूँ मैं, इक्वल टू डाटा, देन यहाँ पर मैंने देखी यहाँ पर एक हमारा बार आ रहा है, यहाँ से मैंने उसको क्लिक किया। अगेन यहाँ पर मुझे चाहिए दिस वन, थर्ड वन एक्टिविटी के, क्लिक किया देन एंटर कर दिया। ये देखिए यहाँ पर 5 आ गए। अब 80 में से मुझे चाहिए इक्वल टू डाटा वाली शीट जो मैंने यहाँ पर डाटा इंसर्ट किया था रिपोर्ट कार्ड में से, देन यहाँ 80 वाले इंग्लिश के मार्क्स थे इसको सेलेक्ट किया था, एंटर। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक 88 आ गया। अब 88 आए कैसे ये भी देख लीजिए। सो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के लिए सिंपल मैंने इसको डिलीट सेलेक्ट किया, देन कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। फॉर्मूला सिंपल है, इसको सेलेक्ट करेंगे, जो मेरी यहाँ पर ब्लैंक सेल है उसको भी सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से आप होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर देखिए ऑटो समेस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 88 मेरा आ गया ऑटोमेटिक। अब इसको पकड़िए और नीचे ड्रैग कर दीजिए, पाँचों को ड्रैग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यहाँ फॉर्मूला लगा है। ऑटोमेटिक हमारा यहाँ जो शीट के सेल्स है वो क्या करेंगे, यहाँ से जो मेरे बाकी सेल्स की रेफरेंस है वो लेंगे और ऑटोमेटिक वो रेफरेंस उस पर्टिकुलर जो मेरी डाटा शीट है वहाँ से रेफरेंस लेकर इस चेकलिस्ट वाली शीट पर इंसर्ट कर देंगे। आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इनको सेलेक्ट करिए, 88 के डाउन में देखिए जो मेरा सिंबल चेंज हो रहा है, जब मैं 88 वाले जो मेरा सेल है उसके डाउन पॉइंटर पर कर्सर लेकर आ रहा हूँ, देन आफ्टर डैट इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा दिस वन। ये देखिए ऑटोमेटिक सभी का टोटल हो गया, इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। अदरवाइज आप क्या करते, यहाँ से डाटा लेते, सेलेक्ट करते, यहाँ से कंट्रोल सी करते, फिर इसमें आते, यहाँ पर पेस्ट करते। अब देखिए हुआ क्या, एग्जाम्पल के लिए इस कैंडिडेट के मार्क्स थे यहाँ पर 5। अब आप चेंज यहाँ नहीं करेंगे, आप चेंज करेंगे डाटा टैब में। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं डाटा जो मेरी शीट थी वहाँ चला गया, यहाँ से मैंने जो इंग्लिश के मार्क्स से 5 किए और एंटर कर दिया। ध्यान से देखिएगा, मैंने डाटा वाली शीट में चेंज किया लेकिन इसका लिंक मेरी चेकलिस्ट वाली शीट में है। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक मार्क्स मेरे 5 हो गए फर्स्ट वाले, बिकॉज जो ये शीट है इस शीट का लिंक मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगेन 10 कर दीजिए, ये तो मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझाया था। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक 10 हो जाएंगे। अब इसको यहाँ से छुपा लीजिए, मिंटू से उसको जस्ट यहाँ पर जो मेरे सेल्स से उनको एक साइड पर कर दीजिए। अब यहाँ हिंदी के मैं शो करूँगा, हिंदी का भी सेम प्रोसीजर है, इक्वल टू डाटा में चला गया, पहले हिंदी का दिस वन किया, एंटर। अगेन इक्वल टू डाटा शीट में गया, हिंदी एंटर। अगेन इक्वल टू डाटा शीट में गया, देन यहाँ से जो मेरे एक्टिविटी के थे यहाँ से मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, देन एंटर। अगेन 80 वाले इक्वल टू किया, डाटा शीट में गया, यहाँ से मैंने जस्ट आगे मूव किया, देन यहाँ से हिंदी, देन एंटर। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक 87 आ गए।
फॉर्मूला मैंने लगाया पहले से, इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने फॉर्मूला तो लगा लिया, लेकिन लास्ट में देखिए ऑटोमेटिक जितने भी मेरे यहाँ टोटल आ रहे हैं, देखिए टोटल आ रहा है यहाँ पर, ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है, रैंक ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पर आपको फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, यहाँ से मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, दिस वन। अब यहाँ पर देखिएगा चेंज क्या हो रहा है, ये जो मेरा यहाँ पर रिकॉर्ड है मैथमेटिक्स के चाहिए इक्वल टू, डाटा शीट में चला गया, इसको मैं यहाँ से स्क्रॉलर से यहाँ पर आ गया मैथमेटिक्स के, उसके 10 में से मार्क्स आ गए, देन इक्वल टू अगेन डाटा में चला गया, उसके नोटबुक के आ गए मैथमेटिक्स के। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स के ऐड कर रहे हो या साइंस के ऐड कर रहे हो, यहाँ पर मैक्सिमम यूजर्स गलती कर देते हैं कि किसी और सब्जेक्ट के मार्क किसी और में लग जाते हैं, दिस वन। देन 80 में से इक्वल टू, देन अगेन डाटा में चला गया, यहाँ से मैं मैथमेटिक्स, दिस वन, देन ओके। ये देखिए 76 आ गया, अगेन यहाँ से पकड़ गए। अब यहाँ पर देखिएगा क्या चेंजेस होगा, नीचे 122 है, 20 है, देन 28 है सेकंड जो मेरा रोल नंबर है, नीचे ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर उसके मार्क्स अपडेट हो गए। इसको यहाँ से छुपा रहा हूँ। अब देखिए एक और प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम क्या आई, मुझे ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा रोल नंबर कहाँ पर है, तो उसके लिए मैं ये जो मेरा रोल नंबर टैब है या रोल नंबर मेरा पर्टिकुलर कॉलम है, इसको मैं फ्रीज करना चाहता हूँ। फ्रीज मतलब कि एक जगह पर वो स्टेबल हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद एक ही आ रहा है फ्रीज पेन्स, मैं फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर रोल नंबर वाला है, इसको क्लिक किया। अब नाउ सी, यहाँ पर जब मैं एरो बटन से मूव कर रहा हूँ, रोल नंबर देखिए मेरा वहाँ फिक्स है, रोल नंबर फिक्स है। अब साइंस के चाहिए मुझे, यहाँ से मैं साइंस टैब को शो कर रहा हूँ, इसे देखिए आपको शो भी होता रहेगा, प्लस आपका यहाँ पर आपको पता लगता रहेगा कि कौन से आप रोल नंबर का यहाँ पर डाटा एंटर कर रहे हैं। अगेन साइंस का मुझे ऐड चाहिए, यहाँ पर एडिशन करना है इक्वल टू, डाटा में चला गया, मैंने पीछे मूव किया, देन यहाँ पर साइंस का सिलेक्ट किया, एंटर, अगेन इक्वल टू, डाटा में चला गया, अगेन साइंस के या फाइव वाले मार्क्स है नोटबुक के, वहाँ पर क्लिक किया, अगेन इक्वल टू, डाटा में गया, यहाँ से मैं आगे मूव किया यहाँ से, देन एक्टिविटी के साइंस के मार्क्स, एंटर, ऐसे ही 80 वाले जो मार्क्स थे साइंस के वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया बाय यूजिंग लिंक्स। सेम प्रोसीजर है, यहाँ से पकड़िए नीचे इसको। अब देखिए यहाँ पर आप बार बार क्लिक करने के बजाय यहाँ जो मेरा सेल है ये जो टोटल वाला, यहाँ पर देखिए सिंबल चेंज हो रहा है, इसको डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक कई बार आपका ये डाउन पर इंसर्ट हो जाएगा, अदरवाइज ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड इंसर्ट करने के, इन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, लास्ट तक आ जाइए, देन आप यहाँ पर कंट्रोल डी कर दीजिए। कंट्रोल डी से क्या होगा, जो भी ऊपर आपका फॉर्मूला लगा है, पर्टिकुलर लिंक लगा है, ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेल पर मूव करता रहेगा अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। यहाँ पर ऐसे भी आप मेथड यूज कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि किसी कॉलम का साइज बड़ा है, यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सोशल साइंस, इसको भी यहाँ से मैं थोड़ा छुपा रहा हूँ सो डैट बाकी डाटा शो करें, या हाइड कर रहा हूँ उसको। देन सोशल साइंस, अगेन सेम प्रोसीजर, इक्वल टू डाटा, इसको यहाँ से आप शीट को छोटा भी कर सकते हैं सो डैट आपको सारा क्लियर हो जाए। पहले मैं तो इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ, दिस वन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं सो डैट मुझे बार बार ना वहाँ जाना पड़े, या दिस वन। तो चेकलिस्ट पे चला गया अगेन इक्वल टू। अब देखिए मुझे चाहिए सोशल साइंस के, यहाँ पर सोशल साइंस है, दिस वन, एंटर, इक्वल टू डाटा, यहाँ पर सोशल साइंस है, एंटर, इक्वल टू डाटा, यहाँ पर अगेन सोशल साइंस, एंटर, अगेन इक्वल टू डाटा, यहाँ पर सोशल साइंस, एंटर, यहाँ पर टोटल हो गया। अगेन इसको पकड़िए नीचे ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी टोटल बन रहा है वो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जो भी उनका ग्रैंड टोटल देन परसेंटेज देन रैंक जनरेट होना चाहिए ऑटोमेटिक वैल्यू के अकॉर्डिंग वहाँ पर अपडेट हो रहा है। देन नेक्स्ट रह गया पंजाबी, सो इसको भी यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ, देन पंजाबी वाली लिस्ट को यहाँ पर पूरा डिस्प्ले कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। नाउ अगेन इक्वल टू डाटा पे चला गया, यहाँ से मैंने पंजाबी के 10 वाले मार्क्स पिक किए, अगेन इक्वल टू नोटबुक वाले पंजाबी के मार्क्स पिक किए, गेट किए, अगेन इक्वल टू पंजाबी के यहाँ से एक्टिविटी के मार्क्स पिक किए, वहाँ से फेच किया, वहाँ से अगेन इक्वल टू जो पंजाबी के 80 में से मार्क्स हैं वो यहाँ से मैंने पंजाबी वाले सेल पे क्लिक करके फेच कर लिया। नाउ टोटल यहाँ पर मैंने नहीं किया, सो टोटल करने के लिए आप क्या करेंगे, सेम जो मैंने आपको फर्स्ट इंग्लिश वाले मार्क्स में बताया था, इसको सेलेक्ट करिए, देन आफ्टर डैट होम में जाइए, यहाँ पर देखिए ऑटो सम आ रहा है एडिटिंग टैब में, सब टैब में क्लिक कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया, देन इसको नीचे मूव कर लीजिए, सॉरी सभी को सेलेक्ट करिए, देन नीचे मूव कर लीजिए। ये जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ थोड़ी माइन्यूटली करिएगा, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज ये मेनली मैं
पहले काम किया था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंने फॉर्मूला डेवलप किया जिसकी हेल्प से काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम सेव हुआ। तो मैं यहाँ जो लास्ट टोटल है उसको हाईलाइट कर लेता हूँ इस वन। अब देखिए एक प्रॉब्लम होगी, मार्क्स तो मेरे सारे आ गए, टोटल भी आ गया, सब कुछ आ गया, इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। टोटल साइंस देन साइंस हिंदी देन सो ऑन, नाउ इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश को भी यहाँ डिस्प्ले कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडिडेट्स हैं वो शो हो जाएं। अब वो कैसे होंगे, एक तो मेथड है कि मैं सारे यहाँ मार्क्स को देखूँ, खुद फाइंड आउट करूँ, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, रैंक पे को कर्सर रखिए, होम में जाइए, होम में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आ रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पर क्लिक कर दीजिए। देन नीचे से थर्ड ऑप्शन आ रहा है फिल्टर, इस पर क्लिक कर दीजिए। आफ्टर क्लिकिंग ऑन फिल्टर यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ ड्रॉप डाउन जो एरोज है डिवेल्प हो गए हैं, तो आप फिल्टर का ड्रॉप डाउन एरोज पर क्लिक करिए, देन यहाँ से सेलेक्ट ऑल हटा दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, देन ओके कर लीजिए। तो ये देखिए रोल नंबर 5, रोल नंबर 16 और रोल नंबर 17 फर्स्ट आ रहे हैं, आप इनको सेलेक्ट करके ये ध्यान से देखिएगा, सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। सो ये जो यहाँ पर रोल नंबर 5 युवराज ये थर्ड आ रहा है, 16 आकाश फर्स्ट आ रहा है और 17 ईशांत आ रहा है सॉन। तो इसको मैंने यहाँ से शो कर दिया। अब अगेन यहाँ से क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, देन ओके कर दीजिए। नाउ यहाँ पर देखिए मेरा पूरा डाटा शो हो रहा है, लेकिन देखिए जो मैंने यहाँ पर सेल्स को हाइड किया था वो मैंने क्यों किया था, बिकॉज यहाँ पर मेरा सिर्फ टोटल शो हो। अगर आप वो भी मार्क्स देना चाह देखना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, ये देखिए, लेकिन इससे मेरा डाटा देखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज डाटा देखिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो यहाँ पर देखिए मेरी शीट कितनी लार्ज हो जाएगी, सो इसलिए मैंने उसको पहले से आपको प्रोसीजर बताया था कि आप ग्रुप्स का यूज़ करके उस डाटे को हाइड कर सकते हैं। सो ये जो सेल्स आपने पूरे सेलेक्ट नहीं किए उनको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, बिकॉज सब तो मैंने पर्टिकुलर सेल्स को हाइड किया था। यहाँ से अगेन कलर दे दीजिए सो डैट वो हाईलाइट हो जाएं, अगेन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं दिस वन, देन यहाँ से कलर दे लीजिए। ये आपकी शीट होगी, प्रिंटिंग के लिए आपको सेटिंग में प्रॉब्लम आएगी, सो भी आपको बता देता हूँ। कंट्रोल F2 करिए, पहले तो देखिए ये मेरे टोटल यहाँ पर 10 पेजेस बन रहे हैं। आप जाएंगे पेज सेटअप में, पेज सेटअप में जाने के बाद आप यहाँ पर करेंगे लैंडस्केप, देन ओके कर दीजिए। अदरवाइज यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू क्लोज करिए, पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन भी यहाँ से भी आप लैंडस्केप कर सकते हैं। देन आफ्टर डैट जब मैंने कंट्रोल F2 किया, यहाँ पर देखिए शीट मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, सो आप क्या करेंगे यहाँ से स्केल सेट करेंगे। स्केल ये जो मेरा यहाँ बॉक्सेस बॉक्सेस आ रहे हैं ये पेजेज हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पेज, तो आप जाएंगे पेज लेआउट में, यहाँ से स्केल डाउन करिए, छोटा करिए, ये देखिए आगे मेरा मूव कर रहा है दिस वन। तो जितना आपका स्केल होगा वहाँ तक आपका ये पेज सेट होगा। तो आपको मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप इसका प्रिंट लीगल पेज पर निकाले, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज लीगल पेज का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, उस पर आपका ये प्रिंट प्रॉपर आएगा। ये देखिए यहाँ से मैं प्रिव्यू अगेन कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, दो शीट्स पर प्रिंट निकालिए, हाफ ई शीट पर हाफ उस शीट पर, दोनों दोनों को बाद में अटैच कर दीजिए, एक तो ये मेथड है। देन लास्ट में देखिए अब आपको यहाँ पर देना भी होगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, देन यहाँ पर रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, देन सो ऑन देन सो ऑन। अब उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, वो भी देख लीजिए आप प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पर आपको सेल्स को मर्ज करना होगा, सेल को सेलेक्ट करिए, होम में जाइए मर्ज, अगेन सेल को सेलेक्ट करिए मर्ज, अगेन सेल को सेलेक्ट करिए मर्ज, अगेन सेल को सेलेक्ट करिए मर्ज। अब मर्ज करने से हुआ क्या कि यहाँ पर मेरा टोटल स्टूडेंट्स पूरा आएगा, टोटल स्टूडेंट्स, देन अपियर्ड, देन जो भी आप डिटेल लिखना चाहते हैं रिगार्डिंग द रिजल्ट, देन पास्ट, देन जो भी आपके कोई बच्चे फेल हैं या कुछ हैं वो भी लिख सकते हैं। इनको सेलेक्ट करिए, यहाँ से बोल्ड कर लीजिए और इनका बॉर्डर दे लीजिए, ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। नाउ इसके सामने जब देखिए आप लिखेंगे रोल नंबर, वो तो ठीक है, रोल नंबर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा यहाँ